तो कंट्रासेप्टिव मेथड में, नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे बेटा, क्या अवॉइड करेंगे, चांसेस सेकेंड, चांसेस ऑफ मीटिंग, किसकी मीटिंग, मीटिंग ऑफ स्पर्म टू ओवम, एगो लिख सकते हैं। ओके ये हो गया। हाँ, उसने सबसे पहला भाग जो है बेटा वो है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, इसमें भी सबसे पहला ए लिखते हैं अपने, ठीक है, ए लिखते हैं इसमें, क्या है ए, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस मतलब बेटा बाधा, ठीक है, एब्स्टिनेंस ये ऐसा मेथड है बेटा जिसमें कपल जो है, मियाँ बीबी जो है, वो क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, एब्स्टिनेंस का मतलब होता है अवॉइड करना, अवॉइड करते हैं वो समय जहाँ पे बच्चा पैदा होने के आसार ज़्यादा हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, जो कपल हैं, कपल समझते हो ना, कपल क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, क्या अवॉइड करेंगे बेटा, कोइटस, कोइटस माने पता है, अवॉइड करेंगे कोइटस, कब से कब तक बेटा, आप बता, आपको भी आइडिया, उस दिन आप बता रहे थे, कौन कौन से दिन नहीं कर, बहुत अच्छा, एनसीईआरटी में दिया है क्या, 10 से 17 डेज, मैं तो मेरा एक मानना है बेटा, मैं आपको बताऊं, मेरा एक मानना है कि पीरियड के बाद मतलब 5 दिन के बाद सारे ही दिन खतरनाक होते हैं, सुरक्षित दिन कौन सा होता है बताऊं मैं आपको, सबसे सुरक्षित दिन है 20वें दिन से लेके और अपने आखिरी तक 28वें दिन तक, जब तक पीरियड ना आ जाए, वो एकदम सेफ दिन होता है, 20वां भी थोड़ा क्रिटिकल है, मतलब 25 से 28 तो एकदम सेफ दिन होता है, वहाँ पे कोई चांस नहीं कि बेटा मतलब मेटिंग हो जाए, समझ रहे, लेकिन ओव्यूलेशन बेटा बड़ा गड़बड़ है, पीरियड के तुरंत बाद भी ऐसा देखा गया है कभी कभी ओव्यूलेशन हो जाता है, तो आपके लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा 10वें से 17वें दिन जो होता है बेटा, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का काफी फर्टाइल पीरियड रहता है, क्या रहता है, ये इज मोस्ट फर्टाइल। अच्छा आपको क्या लगता है, गांव में अभी जो है अपने कानपुर में सब, उन लोग को नॉलेज होती होगी सबको, मोस्ट फर्टाइल, जो लोग मतलब पढ़े नहीं हैं या तो काम ही करते हैं, सिर्फ धंधा करते हैं, फर्टाइल पीरियड ले लो, उसका एवरेज ले लो, आधा कर दो, बीच में ही आएगा, चौदह नहीं घटाएंगे बेटा, उसका एवरेज लेंगे, 45 का आधा क्या होता है, 22 होता है, तो 20 से लेके 25 के बीच में आएगा, हाँ हाँ चलो तो ये समझ गए, तो हम क्या करेंगे बेटा, अवॉइड करेंगे कोइटस, तो मोस्ट फर्टाइल है ना बेटा, 14वां दिन तो मोस्ट फर्टाइल है, क्योंकि 1-2 दिन रहता भी तो है ओवम के चांस, 1 दिन वो टिका रहता है, तो बेटा इसी को बोलते हैं फर्टाइल पीरियड, इस समय पे कॉन्सेप्शन नहीं करना चाहिए, इस समय से दूरी बनाए रखनी चाहिए अपनी बीबी के साथ, अगर बच्चा नहीं चाहिए तो, ठीक है, चलिए समझ गए ना, चलो दूसरा मेथड,
अरे इस पीरियड में मीटिंग नहीं करेगा, लेकिन इसके बाद मतलब जैसे 28 दिन का उसका पीरियड है, तो बेटा 28 दिन के 20वें दिन बाद तो कर ही सकता है, 20 से 28 तक। 20 से 28 तक करेगा आज ही। करेगा नहीं करेगा उसके ऊपर है। चलो कई कई जगह पे आजकल जबरदस्ती चलती है मियां बीवी के अंदर, करने ना करने को लेकर। चलो विथ ड्रावल, ये मेथड लड़कियों के सामने पढ़ाने में बहुत बुरा लगता है। मतलब तो क्लास में पढ़ा रहा था, कैसे भी करके निकल जाओ बस इससे तुम। चलो विड्रॉल का मतलब क्या होता है? कॉइटस इंटरप्शन, क्या बोलते हैं? कॉइटस इंटरप्शन। अब बेटा ये इतना इतना अच्छा मेथड नहीं है, ठीक है? क्यों नहीं है अब बताओ? सर मतलब क्वाइटर्स को बाहर निकाल लेते हैं क्या सर? पेनिस को बाहर निकाल लेते हैं। बेटा इसमें गड़बड़ क्या होती है? देखिए हमें लगता है कि भाई अभी निकलने वाला है, अंदर से स्पर्म सीमेन इजैकुलेट होगा, लेकिन उससे पहले भी थोड़ा बहुत कभी कभी इजैकुलेट हो जाता है और हमको पता नहीं चलता, ठीक है? तो जो आदमी सोच रहा है कि अभी बस आने वाला है वो चरम सुख का पीरियड, तो चरम सुख के पीरियड आने से पहले ही वो बेटा वो क्या करता है, बाहर निकाल देता है और बाहर ही इजैकुलेट कर देता है। तो ठीक है कई बार काम करता है, मतलब 70-80% तो काम करता है, ऐसा नहीं कि नहीं काम करेगा। बच्चा नहीं होगा, आपने बाहर ही निकाला, जैसे ही निकलने गया आपने बाहर निकाल के एकदम सब बाहर फैला दिया रायता, फिर बाद में क्या होगा, इस तरीके से प्रिवेंट कर देगा। लेकिन इतना अच्छा मेथड नहीं है मेरा कहना यह, ठीक है? समझ गए? इसी को बोलते हैं कॉइटस इंटरप्टस। इट इज एक तरीका नेचुरल मेथड है बेटा। मेल पार्टनर क्या करता है? विड्रॉ करता है, याद रखें। मेल पार्टनर क्या करता है? मेल पार्टनर विथड्रॉ कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा। क्या विड्रॉ करेगा? हिज पेनिस। कॉइटस तो बेटा दोनों का मिलन की प्रक्रिया है, ठीक है? कॉइटस कभी मत बोलना। कहाँ से विड्रॉ करेगा ये बताओ, कहाँ से विड्रॉ करेगा? वजाइना से, वजाइना से निकाल लेगा जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। देखा है, इजैकुलेशन से पहले, जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। आप ही सोचो अगर मेल टीचर लड़कियों को पढ़ाया तो कैसा लगेगा, है कि नहीं? बड़ी मुश्किल बात, लेकिन मैंने पढ़ा दिया था, मुझे तेल लेने। कई टीचर तो, फीमेल टीचर तो चैप्टर पढ़ाती नहीं है, मैं देखता हूँ स्कूल में इजैकुलेशन में। तो ओपनली जो था पढ़ा दिया, जो सच था बता दिया सबको मैंने, खुला एकदम। हमने बताएंगे कौन बताए, कन्फ्यूजन रहेगा। सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन, एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया ना आपने? क्या लिखना है इसमें, या दिमाग में आगे लिखने की भी जरूरत नहीं है कि नहीं? चलिए चलो देखते हैं अभी। लैक्टेशनल एमोनोरे, हाँ 6 महीने के लिए होता है वो, मतलब कोई फिक्स नहीं है बेटा ऐसा, कहीं जल्दी आ जाता है कभी लेट आता है, लेकिन कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। इसका मेन कारण क्या है पता है आपको? क्या है बोलो, क्यों ऐसा होता है, क्यों लैक्टेशनल एमोनोरे होता है? मतलब पीरियड्स क्यों नहीं आते हैं लैक्टेशन के हाँ, बेसिकली? पीरियड बेटा लैक्टेशन की वजह से नहीं आते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक हार्मोन रिलीज होता है प्रोलैक्टिन, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनहिबिट कर देता है, समझे? मेंस्ट्रुएशन नहीं होने देता बेटा, ब्लड ब्लीडिंग नहीं होने देता प्रोलैक्टिन हार्मोन। अच्छा तो पीरियड्स में एक तो बनते हैं ना एक नहीं बनते बेटा, लैक्टेशन पीरियड में, एक नहीं बनते।
प्रोलैक्टिन इनहिबिट कर देता है, बोल तो रहा हूँ, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ना, जो दूध बनाता है, वो जब तक रिलीज होगा तब तक बेटा बाकी सारे हार्मोन कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, मेन चीज एमोनोरे का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, खासकर सिर्फ एमोनोरे का मतलब लिख रहा हूँ बेटा। इसका मतलब क्या है, एब्सेंस, आवाज आ रही मेरी, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा बेटा, ये देखा जाता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन, कब देखा जाता है ये, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन, ठीक है। अब जितना जब इंटेंस लैक्टेशन होता है तो कोई भी ओव्यूलेशन नहीं होता और कोई भी मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होता, दोनों चीज़ें देखना, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन और इसके बाजू में लिख लो ओव्यूलेशन, ठीक है, दोनों नहीं होगा बेटा। क्यों होता है, इसका कारण क्या है बेटा, रीज़न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रीज़न से सवाल आ सकता है। इसका मेन कारण है बेटा प्रोलैक्टिन, कौन है, शायद एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा, दिया है, लिख लीजिए, मोर प्रोलैक्टिन डिक्रीज द चांसेस ऑफ नेक्स्ट प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रोलैक्टिन की मात्रा जब बढ़ती है बेटा तो क्या होता है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी की, नेक्स्ट प्रेगनेंसी की चांसेस जो हैं वो गिर जाता है, ठीक है। हाँ, उसका मेन कारण क्या है बेटा, हार्मोन का कम हो जाना, ठीक है। ठीक है, तो बेटा लैक्टेशन पीरियड के समय पे कॉन्सेप्शन भले आदमी करे जितना चाहे उतना मजा ले, लेकिन क्या होगा, बच्चा नहीं होगा, ठीक है। अगर कम प्रोडक्टिव होगा तो चांसेस बढ़ जाएंगे बेटा, ये भी याद रखना। चलो अब ये हो गया नेचुरल मेथड का समापन हो गया। कौन कौन से मेथड पढ़े हमने बेटा, बोलो, नेचुरल में, कौन कौन से, हाँ ठीक है। अब बैरियर देखेंगे, बैरियर मेथड,